बीजेपी ने मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे में कई सीटों पर स्थानीय उम्मीदवारों की वजह बाहरी उम्मीदवारों पर दाव खेला है। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर दूसरे लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन उम्मीदवारों का स्थानीय स्तर पर विरोध भी हो रहा है। आइए जानते हैं किन सीटों पर बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवारों पर दाव खेला है। दमोह लोकसभा सीट, बीजेपी ने यहां से नरसिंहपुर के रहने वाले प्रहलाद पटेल पर दोबारा दाव खेला है, जबकि यहां से स्थानीय उम्मीदवार अभिषेक भार्गव भी ताल ठोक रहे थे। भोपाल लोकसभा सीट, यहां से बीजेपी ने भिंड की रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया है। प्रज्ञा ठाकुर टिकट मिलने से पहले बीजेपी की प्राथमिक सदस्य तक नहीं थी, जबकि भोपाल से स्थानीय उम्मीदवार उतारने की मांग को लेकर बाबूलाल गौर, उमाशंकर गुप्ता, आलोक शर्मा जैसे नेताओं ने लामबंदी भी की थी। खजुराहो लोकसभा सीट, बीजेपी ने यहां से वीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वीडी शर्मा मुरैना के रहने वाले हैं। उन्हें खजुराहो से टिकट देने का जमकर विरोध किया जा रहा है। पार्टी के कई पदाधिकारी उन्हें इस्तीफा भी दे दिया है। मुरैना लोकसभा सीट, यहां बीजेपी ने ग्वालियर के रहने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। तोमर पहले ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं, लेकिन वहां पर विरोध के चलते उनकी सीट बदलकर मुरैना कर दी गई है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट, सागर के रहने वाले वीरेन खटीक को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वीरेन खटीक का भी स्थानीय स्तर पर विरोध होता रहा है। भिंड लोकसभा सीट, मुरैना जिले की दिमनी की रहने वाली संध्या राय को यहां से बीजेपी का टिकट मिला है। संध्या राय के विरोध में बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं।